ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है? दीदी, विभोर जी की मृत्यु कैसे हुई थी? ओ, आप लोग जानते ही हैं कि मेरे पति ने सुसाइड किया था, फिर आप लोग मुझसे क्यों इस तरह के सवाल? लेकिन मैम, लोग उनकी मौत के बारे में तरह तरह की बात। वृंदा, क्या हुआ बेटा? तुम यहां क्या कर रही हो? वृंदा, आंखें खोलो बेटा। ये संकेत मामूली संकेत नहीं है, रहस्यमयी दुनिया के संकेत हैं। रहस्यमयी दुनिया जीवन और मृत्यु के बीच की खतरनाक दुनिया है। इंसान की मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा उस दुनिया में एक घंटा भटकती है, उसके बाद उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन कुछ शैतानी आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता, और वो सदा के लिए उस रहस्यमय दुनिया में भटकती रहती हैं। मुझे लगता है तुम्हारी बेटी की तरफ कोई ऐसी ही शैतानी आत्मा आने की कोशिश कर रही है। पर निर्जरा जी, वृंदा ही क्यों? ये तो कोई तूफान का संकेत लग रहा है। मैथिली बेटा, तुम्हारी बेटी वृंदा पर कोई बड़ा संकट मंडरा रहा है। तुम उसे शीघ्र ही हमारे आश्रम में लेकर आओ। जाओ। अब तक सो रही है, पता नहीं इसे क्या हो गया आजकल।
दिन में भी सोती रहती है। वृंदा उठो बेटा। कब तक सोती रहोगी? जल्दी से उठो और दूध पी लो। मामा मैं इधर हूँ, इधर हूँ। उठो बेटा। निर्जरा जी, आयुष्मान बाबा। निर्जरा जी, ये वृंदा है मेरी बेटी। वाह, ये तो बड़ी सुंदर है और इसके नयन चक्षु वो तो बिल्कुल इसके पिता की तरह हैं। आप मेरे पापा को जानती थी? हाँ, तुम्हारी माता और तुम्हारे पिताजी अपने बालपने में हमारे इस आश्रम में आते थे योग सीखने के लिए। फिर इनमें प्रेम हुआ और उसके पश्चात विवाह और फिर आ गई ये छोटी सी वृंदा। निर्जला जी, सब तैयारियां हो गई है। वृंदा चलो बेटा, अब हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। चलिए। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? बेटा वो वृंदा, बेटा आपके शरीर में एक छोटी सी बीमारी घुस गई है जिसे हम बाहर निकालेंगे। ये सब कुछ उसी लिए हो रहा है। बीमारी? कैसी बीमारी? छोटी सी बीमारी, बहुत छोटी सी, लेकिन तुम्हें डरने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुम बस शांत होकर लेट जाओ और इस कलश को ध्यान पूर्वक देखिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मामा, मामा कहाँ हो तुम? मामा, मामा ब्रिंदा, ब्रिंदा बेटा, पहन लो इसे। मैंने कहा पहन लो इसे। कौन है निर्जला जी वहां पर? आओ बेटा। मामा, मैंने फिर से पापा को देखा। बेटा, देख कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा तुम्हें। निर्जला जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वृंदा के साथ ये सब क्या हो रहा है। वो विभोर को कैसे देख सकती है? विभोर तो मर चुका है। मैथिली, हमारे सारे संदेह सही निकले। वृंदा जो स्वप्न देख रही है वे कोई साधारण स्वप्न नहीं है, या मैं यूं कहूं कि वो स्वप्न नहीं, सच्चाई है। क्या निर्जरा जी, मुझे साफ साफ बताइए। हमारे योग शास्त्र में जीवित मनुष्य की आत्मा को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और हमें ऐसा लगता है विभोर की आत्मा ने वृंदा के सूक्ष्म शरीर को रहस्यमयी दुनिया में ले जाने की कोशिश की है। क्या? हाँ, किंतु हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, विभोर की दुष्ट आत्मा वृंदा को कैसे हानि पहुंचा सकती है। बोलो मैथिली, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? बोलो, बोलो, विभोर का वो कौन सा राज है जो तुम हमसे छुपाने की कोशिश कर रही हो? जब वृंदा छोटी सी थी तब से विभोर काला जादू करने लगे। वो बस उसी में दिन रात व्यस्त रहते थे। इससे उनके पास कई तरह की शक्तियां भी आ गई थी। उनका अपनी शक्तियां बढ़ाने का लालच बढ़ता जा रहा था।
उनकी इन सब क्रियाओं की ही वजह से घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। विभोर वृंदा के बहुत करीब थे और वृंदा की वजह से ही मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल उनके साथ गुजार दिए। एक दिन मैंने देखा जब वृंदा सोई हुई थी वो उसके ऊपर काले जादू का प्रयोग कर रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। फिर मैंने उनकी उस काले जादू की किताब को जला दिया। विभोर गुस्से से पागल हो गए और मुझ पर एक कुल्हाड़ी से हमला किया और उसी हाथापाई में कुल्हाड़ी विभोर को लग गई और उनकी मौत हो गई। बस उस दिन के बाद से ही वृंदा के साथ ये सारे हादसे होने लगे। निर्जरा जी, इसका मतलब विभोर वृंदा को मुझसे दूर करके अपनी दुनिया में बुलाकर मुझसे छीनना चाहता है। यदि ये सत्य है तो वृंदा की जान को खतरा है। निर्जरा जी, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। मेरी बेटी ही सब कुछ है मेरे लिए। मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बिना। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैथिली, रो मत। अब हमारी एक बात ध्यान पूर्वक सुनो। वृंदा को अगर बचाना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। वृंदा के सूक्ष्म शरीर को विभोर की दुष्ट आत्मा उसी परिस्थिति में रहस्यमय दुनिया में ले जा सकती है जब वृंदा सो जाए। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक हम इस समस्या का कुछ हल नहीं निकाल लेते, वृंदा को सोने मत देना। यदि वो सो गई तो जिंदा नहीं बचेगी, उसकी मृत्यु निश्चित है। मम्मा, मुझे सोना है। अच्छा चलो, ये काढ़ा पी लो। इसे पीने के बाद तुम्हें बिल्कुल नींद नहीं आएगी। मम्मा, मुझे सोना है। देखो बेटा, सिद्ध मत करो और जल्दी से ये काढ़ा पी लो। चलो आ करो। बस और नहीं। नहीं नहीं बेटा, थोड़ा सा और पीना तो आपको पूरा पड़ेगा। चलो। बस मम्मा। बस, गुड गर्ल। अच्छा मीरा जी, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। जब तक तुम प्लीज वृंदा के पास यहीं रहना और ध्यान रखना किसी भी हाल में इसे नींद ना आए। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना वृंदा के साथ यहाँ। मीना मासी भी सो गई है, मैं भी सो जाती हूँ। मम्मी भी आनी है, किसी को पता नहीं चलेगा। मीना मासी, थोड़ी देर और सोने दो ना। मीना मासी, प्लीज आंखें खोलो बेटा, तुम
है मैथिली जी, पता ही नहीं चला कब आग लग गई। मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, क्या होगा अब तुम्हें माफ करने से? वृंदा, वृंदा, मैथिली, क्रोधित होने से अब कुछ लाभ नहीं होगा। जो अनर्थ होना था वो हो चुका। वृंदा की आत्मा रहस्यमय दुनिया में जा चुकी है, इसके जीवन को खतरा है। क्या? मीरा, तैयारियां शुरू करो। जी। वृंदा बेटा, पहचाना मुझे? मैं तुम्हारा पापा। तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारा कब से यहां इंतजार कर रहा था। आओ, पापा के पास आओ। डरो मत, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, ये पापा की दुनिया है, रहस्यमय दुनिया है। पापा ने तुम्हें यहां क्यों बुलाया मालूम है? ताकि पापा और वृंदा एक साथ रह सके हमेशा के लिए। रहोगी ना पापा के साथ? नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मम्मी के पास जाना, मुझे यहाँ नहीं रहना। मम्मी के पास जाना है? क्यों मम्मी के पास जाना है? हाँ, पापा मर के भी लौट आया है सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम्हें तुम्हें उस मैथिली के पास जाना है। क्यों? मैथिली ने मेरे खिलाफ तुम्हारे दिमाग में जहर भर दिया है। मैथिली, उसकी वजह से मेरी जान गई, अब वो मुझसे तुम्हें छीनना चाहती है। मैं हरगिज ऐसा होने नहीं दूंगा, हरगिज ऐसा होने नहीं दूंगा। इसका बदन तो बिल्कुल ठंडा पड़ रहा है, अगर ये ऐसी ही रही तो इसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वृंदा, 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 आंखें खोलो बेटा। बेटा, बेटा उठो ना बेटा। ये पहन लो। हाँ, पापा आज तक कभी खाली हाथ नहीं लौटे, आज भी नहीं लौटेंगे। हाँ, पहन लो इसे, हमें बड़ी दूर लंबे सफर पे जाना है। नहीं, ना नहीं कहते। नहीं, नहीं। मैं कहता हूँ पहन लो इसे। नहीं, नहीं, नहीं। वृंदा, 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 वृंदा उठो, निर्जला जी, वृंदा उठो।
मैथिली, ये अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरी वृंदा नहीं मर सकती, आप ही ने तो कहा था कि मरने के बाद इंसान का सूक्ष्म शरीर लगभग लगभग एक घंटे तक रहस्यमय दुनिया में भटकता रहता है, तो हो सकता है वृंदा का सूक्ष्म शरीर भी इस समय उसी रहस्यमय दुनिया में फंसा हो। अगर अगर हम वृंदा के सूक्ष्म शरीर को ढूंढ पाए तो हम उसे बचा सकते हैं। मैथिली, तुम जो कह रही हो वो सत्य है, किंतु ये इतना सरल काम नहीं है बेटा। वृंदा को बचाने के लिए हमें उस खतरनाक रहस्यमय दुनिया में जाना होगा। बहुतों ने इससे पहले वहां जाने का प्रयास किया है और गए भी, किंतु आज तक कोई वहां से लौट कर नहीं आया। नहीं निर्जरा जी, नहीं, निर्जरा जी, मेरी बेटी को बचाने का मेरे पास सिर्फ यही मौका है, और शायद शायद मैं लौटू या ना लौटू, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। आप मुझे भेजने की तैयारी कीजिए निर्जरा जी, जब तक मैं जिंदा हूं वृंदा नहीं मर सकती। मैथिली, तुम्हारे पास केवल एक घंटा है अपनी बेटी वृंदा को विभोर के कब्जे से छुड़ाने के लिए। याद रखो, रहस्यमय दुनिया एक भूल भुलैया की तरह है, जहां तुम खो भी सकती हो। ये लो, ये पवित्र गंगा जल है, इसे अपने पास संभाल कर रखना। ये तुम्हारी रास्ता ढूंढने में सहायता करेगा, और जब तुम्हें तुम्हारी वृंदा मिल जाए तो उसके बाद तुम्हें एक लाल दरवाजा ढूंढना होगा, क्योंकि वही एक लाल दरवाजा होगा जो तुम्हें रहस्यमय दुनिया से वापस लौटने में मदद करेगा। मैं तैयार हूं निर्जरा जी। ये तो वृंदा का कमरा है। बेटी के लिए यहां तक आ पहुंचे, हाँ? तुम्हें क्या लगा मैं मेरी बेटी ऐसे ही दे दूंगा तुम्हें? विभोर, प्लीज प्लीज मुझे मेरी बेटी को छोड़ दो। विभोर, बचा लो मुझे। विभोर, बचा लो मुझे। मैथिली, कहाँ तक भागोगे? अब तुम्हें भी यहीं रहना है। नहीं, नहीं विभोर, नहीं, नहीं विभोर, नहीं, नहीं, जा, 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 जा,
मैथिली दरवाजा खोलो, मैथिली मैथिली दरवाजा खोलो, मैथिली मीरा, मीरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी वृंदा को ढूंढने आई हो ना? कुछ कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? बोलो ना मीरा, बोलो। प्लीज बचा लो मुझे, मम्मा बचा लो मुझे। प्लीज बचा लो मुझे। ये आवाज कहाँ से आ रही? प्लीज बचा लो मुझे। वृंदा, 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 मम्मा, वृंदा, मम्मा, वृंदा, ये सब क्या है? ये किसने बांधा तुम्हें? चाबी, चाबी कहाँ इसकी? चाबी तो पापा के पास है, अब हम कैसे जाएंगे? मम्मा, नहीं बेटा, हम जाएंगे बाहर बेटा, मम्मा है ना। बेटी मेरी तू सो जाए ही, पापा का घर है तू खो जा गई, पापा की दुनिया में खो जायू ही। चाबी, चाबी दे दो मुझे। कौन सी चाबी? कैसी चाबी? चाबी मेरे पास नहीं है चाबी। ये चाबी बाबा मम्मा को मत मारो। इसका शरीर तो बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है। हे गंगा मैया,
इस माता की रक्षा कीजिए। ये देख रहे हो विभोर, ये गंगा जल है, गंगा मैया का अंश। ये दुनिया की सारी बुराइयों को मिटाता है। फिर तुम क्या चीज हो इसके सामने? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वृंदा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं जल्द से जल्द उस लाल दरवाजे तक पहुंचना। चलो बेटा चलो। मैथिली, 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 ये तो निर्जला जी की आवाज है। निर्जला जी, आप कहाँ हैं? तुम मुझे सिर्फ सुन सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें देख सकती हूँ मैथिली। बेटा मैथिली, तुम्हारे पास केवल 15 मिनट बचे हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए। जल्दी उस लाल दरवाजे को ढूंढो बेटा। मुझे आभास हो रहा है कि विभोर अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है, और जब तक उसका सर्वनाश नहीं होगा, तुम अपनी बेटी को उस दुनिया से वापस कभी नहीं ला सकती। विभोर को नष्ट करने का केवल एक ही उपाय है, उसकी कुल्हाड़ी से उसके शरीर पर वार करो। मैथिली, ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो, सिर्फ तुम। अपने आप पर, तुम्हें मेरी बेटी को मारने से पहले मुझ पर से गुजरना होगा। तो फिर यही सही है। पापा प्लीज, हमें को छोड़ दो। पापा, पापा प्लीज, पापा प्लीज छोड़ दो। वो उसे मार डालेगा निर्जला जी, कुछ कीजिए। छीनना चाहती थी ना, तो देखा उसका अंजाम। अंजाम, अंजाम तो तू अब देखेगा। ये नहीं हो सकता। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। आ, 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 आ,
मैथिली, मैथिली तुम्हारे पास समय बहुत कम है। वो लाल दरवाजा तुम्हारी दाएं जानिब है बेटा। वृंदा जल्दी आओ। वृंदा मासी, क्या हुआ? मैथिली जी क्यों नहीं उठ रही? मम्मा, आंटी मम्मा को क्या हुआ? मम्मा उठ क्यों नहीं रही? बताओ ना आंटी, मम्मा को क्या हुआ? मम्मा उठो, मम्मा उठो ना मम्मा, प्लीज प्लीज। वृंदा, तेरी मम्मा अब कभी नहीं उठेगी बेटा। बहुत दूर चली गई है तेरी मम्मा, बहुत दूर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मा, मम्मा उठो मम्मा। रो मत, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी माँ ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है बेटा। ये बहुत बड़ा बलिदान है। ऐसा बलिदान सिर्फ एक माँ ही दे सकती है अपने बच्चों के लिए। रो मत, भगवान से प्रार्थना कर कि वो तेरी माँ की आत्मा को मोक्ष दे दे।